अयोध्या में सोमवार को पूरे विधि विधान के साथ श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई और इस अवसर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जो मूर्ति पत्थर की थी आज प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो भगवान का रूप ले लेगी। जो रास्ता भगवान राम ने दिखाया उससे वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे गए। उम्मीद है कि भगवान राम ने जिस राम राज्य की कल्पना की थी जिसमें गरीब दुखी ना रहे, हम सब उस रास्ते पर चलेंगे। भगवान श्री राम और आज प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, जो मूर्ति पत्थर की थी आज उसके अंदर प्राण प्रस्थान के बाद वो भगवान का रूप ले लेगी और जितने भी उनके मानने वाले लोग हैं श्री राम, वो जो रास्ता भगवान श्री राम ने दिखाया मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे गए, जो रीति नीति और मर्यादाओं का सम्मान करते हैं वो डिवोटी सबसे करीब भगवान श्री राम के होते हैं। मैंने पूर्व में कहा कि आज के बाद जो पत्थर की मूर्ति थी उसमें प्राण आ जाएंगे, हम सब उनको उसी भाव से देखेंगे कि वो जिसमें हम साधना करेंगे। अब हमें उम्मीद है कि समाज और देश जो मर्यादा पुरुषोत्तम जी ने राम राज्य की कल्पना की थी जहां गरीब दुखी ना रहे, नौजवान खुशहाल हो, आगे बढ़े और सब खुश हो, सब प्रसन्न हो, उस न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।